पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से एशिया कप 2022 के लिए टीम का ऐलान किया है तब से पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है जिनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है, जबकि जिन प्लेयर्स की जगह बनती थी उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स शोएब मलिक को एशिया कप में शामिल न करने पर सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी के इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। शोएब मलिक को फिटनेस और परफॉर्मेंस के बावजूद शामिल न करना पीसीबी का इंतहाई गलत फैसला है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शोएब मलिक आज भी पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैटर हैं, क्योंकि शोएब का एशिया कप और तमाम टी20 मिडल ऑर्डर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बेहतर रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इग्नोर किया गया है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स और पुराने स्पिनर्स को टैकल करने के लिए मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास शोएब मलिक से बेहतर कोई भी प्लेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शामिल ना करना समय से बाहर है। यकीनी तौर पर शोएब भी इस पर अपसेट होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिट भी हैं और अभी पाकिस्तान के लिए मज़ीद खेलना भी चाहते हैं। शोएब इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 की तैयारी में मसरूफ़ हैं। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि आपको एशिया कप स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया गया तो इस पर आप क्या कहते हैं, और शोएब मलिक ने इसके जवाब में कहा कि जब आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हों और आप खेलना भी चाहते हों तो इसके बावजूद अगर आपको मौका नहीं दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बुरा फील होता है, मगर जब भी बाबर आजम और पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा उसके लिए दस्तयाब रहूँगा। शोएब मलिक एशिया कप में शामिल ना होने के बाद ज़्यादा अपसेट होने के बजाय KPL और अपनी पसंदीदा चीज़ एक्सरसाइज पर और ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और रिसोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है कि सिचुएशन को देखते हुए शायद बाद में शोएब मलिक को टीम में शामिल कर लिया जाए। सो होपफुली ऐसा ही हो। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।